हेलो दोस्तों, 90+ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का जो वीवीआई या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में जो 14 फरवरी से आपका एग्जाम है मैथ का, इसमें इसी से संबंधित पूरे क्वेश्चन आएंगे जो चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति। चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3.4 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी किससे पूछ रहा है दूरी? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु का मेरा क्वेश्चन है ये, मेरा क्वेश्चन है बिंदु -3.4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, इसको मान लेंगे पी बराबर -3.4, तो लिखेंगे इसीलिए ओ पी बराबर रूट अंडर x² + y²। तो यहाँ पे x का मान आपका हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर + y का मान 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर + -3 9 और 4 चौका 16, 16 9 हो गया आपका 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कहता है बिंदु 2.3 एवं -2.3 के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2.3 और बी बराबर -2.3। तो यहाँ लिख लेंगे x1 बराबर x2 बराबर, तो x1 का आपका मान होता है, x1 का मान हो गया आपका 2 और x2 का मान हो गया -2। इसी तरह y1 का मान हो गया आपका 3 और y2 का मान हो गया 3। तो कब पूछता है दूरी, बीच की दूरी? तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस पे बैठा देंगे, x2 का मान है -2, फॉर्मूला का माइनस और x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 के मान 3 माइनस y1 के मान है 3। तो इसको आप क्या कीजिएगा, -2 रुपया -2 रुपया क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर + 3 रुपया, अपना 3 रुपया खर्चा दे देंगे, क्या बचेगा 0 का होल स्क्वायर। -4 का होता है 16 और +0 का 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 और 16 का वर्गमूल क्या आता है 4, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन अगर दूरी सूत्र पे पूछता है तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या पूछता है दोस्तों? मध्य बिंदु। तो जो दिया है पहले, यानी उसको मान लेंगे ए, ए का मान क्या दिया है 2.-2,
उसके बाद है बी बी के मान क्या है माइनस दो कॉमा दो, तो मध्य बिंदु लिखेंगे इसीलिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो यहाँ पे एक्स वन का मान क्या हो गया दो प्लस एक्स टू का मान हो गया माइनस दो बाई टू इंटू वाई वन का हो गया माइनस टू प्लस वाई टू का मान हो गया टू बाई क्या हो गया टू। चलिए तो 2 रुपया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी 2 माइनस 2/2 फिर माइनस 2 और प्लस 2/2 2 रुपया अपना 2 रुपया कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0/2 और ये भी हो जाएगा 0/2। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे चाहे भाग करते क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0,0। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा मध्य बिंदु से रिलेटेड तो इसी तरह सॉल्व कर दीजिए, आपका 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छी क्वेश्चन है। चार नंबर आपका क्वेश्चन है, एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कर जो बिंदु इतना इतना से क्या है सम दूर अस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई एक रेखा है, इसको मान लेते हैं ए और बी कोई रेखा है, जो बिंदु इसको मान लेते हैं पी। तो एक्स और वाई एक ऐसा संबंध है जो बिंदु इतना और इतना से क्या सम दूरस्थ है, तो यानी इसको मान लेते हैं पी, जो एक्स और जो वाई को मान लेते हैं पी। 7,1 इंटू इसका है 3,5 क्या है सम दूरस्थ है, तो यहाँ लिखेंगे इसको 4 नंबर लिख के, माना बिंदु पी बिंदुओं बिंदुओं ए तथा बी से क्या है सम दूरस्थ है, इसीलिए जब समान दूरी पर, यानी जितना ए और पी का दूरी होगा उतना ही दूरी पी और बी का दूरी होगा, तो इसीलिए ए पी बराबर पी बी, यानी ये जो दूरी है एक दूसरे क्या है बराबर, यानी अगर इधर 10 तो इधर भी क्या होगा 10 होगा। तो यही आपको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, तो लिखेंगे पहले इसीलिए ए पी बराबर, फॉर्मूला होता है आपको पता है एक्स वन माइनस एक्स टू यानी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर सम दूरस्थ, यानी दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा। चलो तो एक्स टू के मान क्या हो गया एक्स हो गया माइनस एक्स वन के मान 7, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस वाई टू के मान वाई माइनस वाई वन के मान 1, इसका क्या करना है स्क्वायर। चलिए एक चर और एक क्या अचर है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान हो गया एक्स और बी का मान हो गया 7, इसका अलग हो गया प्लस, फिर अब हो गया इसमें अभी तो इसको तोड़े हैं अब इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। चलिए एक्स का लिखे एक्स स्क्वायर होगा प्लस है तो प्लस 7 का
49 माइनस है तो माइनस, 7 × 14 x प्लस है तो प्लस। अब क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 y, इसको सही कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद -14 x, उसके बाद -2 y, और 49 रुपया और 1 रुपया क्या हो गया, 50 रुपया। चलिए अब इसको रहने देते हैं, यानी अभी तो हम निकाल रहे हैं ए पी, अब क्या निकालेंगे, पी भी इसी तरह निकालेंगे। चलिए लिखेंगे पी बी बराबर, फार्मूला वही लगेगा, तो पी और बी तो एक्स टू के मान हो गया आपका 3 माइनस एक्स वन के मान एक्स, इसका क्या करना है, स्क्वायर प्लस वाई टू के मान हो गया 5 माइनस वाई वन के मान वाई, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या, वो चार है वो अचर है इसीलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a × b, इसको तोड़े, अब इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a × b। चलिए इसको सही कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का x स्क्वायर माइनस 3 × 6 x प्लस है तो प्लस, 5 का 25 प्लस y का y स्क्वायर माइनस 5 × 10 y। अब इसको सही कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले x स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर, उसके बाद -6 x -10 y, और 25 रुपया और 9 रुपया कर भी हो जाएगा 34 रुपया। चलिए यानी एक बार निकाले ए पी और क्या निकाले पी भी, तो दोनों सम दूरस्थ हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए पी बराबर पी भी, तो मान डाल दीजिए दोनों का, मान अगर डालते हैं तो ए पी का मान आपका क्या है, ए पी का मान x² प्लस y² -14 x -2 y प्लस 50 बराबर। अब पी बी का मान क्या है आपके पास, x² प्लस y² -6 x -10 y प्लस 34। अब दोनों बगल रूट है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि जब भी दोनों बगल रूट रहेगा हमको रूट रहना तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और जब भी वर्ग करेंगे तो जो वर्क करेंगे तो वर्क के बाद क्या होगा आपका, ये रूट रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x² प्लस y² माइनस 14 x माइनस 2 y प्लस 50 बराबर x² प्लस y² माइनस 6 x माइनस 10 y प्लस 34। यानी आपका रूट हट गया वर्ग से, यानी जब भी वर्ग की तो रूट क्या हो गया, हट गया। अब चर और चर को अलग एक साथ कर देते हैं, चर को अलग और अचर को अलग, x² प्लस y² माइनस 14 x माइनस 2 y प्लस 50 इधर आते क्या हो जाएगा, -x² इन माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इधर आता -y² ये प्लस हो जाएगा 6 x, ये भी प्लस हो जाएगा 10 y, और क्या हो जाएगा -34 बराबर में क्या बच गया, 0।
चलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कट गया। चलिए 1400 रुपया क्या हो गया, कर्जा है और 6x अपना दे दें, कितना बचेगा, माइनस 8x बचेगा, माइनस 2y कर्जा है और 10y अपना दे दें तो क्या बचेगा, प्लस 8y, 50 रुपया अपना है 34 कर दे क्या बचेगा, प्लस 16 बराबर में क्या हो गया, 0। लेकिन देखेंगे x वाले क्या है, माइनस में है, तो इस 200 में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सब में 8 मिल रहा है तो माइनस 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस y क्या हो जाएगा, 8 × 16 बराबर क्या हो गया, 0। अभी गुणा करके क्या हो जाएगा, भाग में तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई माइनस 2 = 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी ये भी VBI यानी जितने भी क्वेश्चन है सब VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है उस बिंदु का केंद्रक निकालें, केंद्रक जिसका शीर्ष दिया हुआ है, तो यानी केंद्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, केंद्र, तो ए का मान आपका हो गया -1, 0, बी का मान हो गया 5, -2, और सी का मान हो गया 8, 2। तो किसका निकल लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, क्या पूछ रहा है, केंद्रक बराबर, तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, और एक होता है y1 + y2 + y3/3। अब इसी पे सॉल्व कर देंगे तो x1 के मान आपका हो जाएगा -1 + x2 के मान हो जाएगा 5 + x3 के मान हो जाएगा 8/3, y1 के मान हो जाएगा 0 + y2 के मान हो गया -2, अब +y3 के मान हो गया आपका 2/5 में क्या हो जाएगा, 3। चलिए तो इसको -1 + क्या हो जाएगा, 13 + 8 = 5, 13/3, 0 खत्म हो जाएगा, -2 रुपया + 2 रुपया क्या हो जाएगा, 0/3। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 12/3 आई हो जाएगा 0 × 3 = 12, यानी ये हो गया 4, आई आ गया 0, यही आपका आंसर होगा, यानी जब भी केंद्रक पूछेगा तो इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, आपका 2 में 2 दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना इतना क्या है, संरेखीय है, तो संरेखीय के लिए के का मान पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है ए का मान क्या है, 2, 3, बी का मान क्या है, 4 k, और सी का मान हो गया आपका 6 - 3। तो लिखेंगे तो यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, संरेखीय है, क्या है दोस्तों, संरेखीय है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × x1 − y3 + x2 − y3 − y1 + x3 − y1 − y2 और बराबर में क्या हो गया, 0, यानी जो संरेखीय होता है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, 0 होता है। चलिए 1/2 × मान डाल दीजिए, x1 के मान आपका हो गया
दो इंटू एक्स वन के मान दो, तो वाई टू के मान आपका हो जाएगा क्या के, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस तरह से गलती नहीं होगा। वाई वन वाई टू और वाई थ्री, एक्स वन के मान हो गया दो, एक्स टू के मान हो गया चार और एक्स थ्री के मान हो गया छः। उसी तरह वाई वन के मान हो गया तीन, वाई टू के मान हो गया के और वाई थ्री के मान हो गया -3। चलिए अब इसी तरह मान डाल दीजिए, एक्स वन है तो एक्स वन के मान दो है, उसके बाद वाई टू, तो वाई टू के मान क्या है के माइनस वाई थ्री के मान -3, प्लस एक्स टू के मान आपका चार, वाई थ्री के मान है -3, माइनस वाई वन के मान है 3, प्लस एक्स थ्री के मान है 6 इंटू, तो वाई वन के मान 3 है माइनस वाई टू के मान के, बराबर में 0। 1/2, तो 2 इंटू के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा -6, प्लस 6 इंटू 3 माइनस के, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। चलिए इसी तरह 2 में अगर के से गुना करेंगे तो 2 के प्लस है, तो प्लस 2 तिहाई 6, प्लस माइनस माइनस 6 चुका 24, प्लस 6 में 3 से गुना कर 6 18, और प्लस माइनस माइनस 6 में के से गुना करेंगे तो 6 के, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ आपका 1/2 इंटू 2 में अगर पहले चार को, अच्छा 6 माइनस 6 के प्लस 2 के, तो क्या बचेगा -4 के और -24 प्लस 18 रुपया, 6 रुपया का रुपया 24, बराबर में क्या हो गया 0। ये तो मॉड जब भी निकली, ये प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ क्या है 1/2 इंटू -4 के बराबर 0। अब ये दो गुना में उधर जाते क्या बचेगा भाग में, तो मोड़ सकते तो क्या बचेगा -4 के बराबर 0, तो आपका बचेगा के बराबर 0/-4 बराबर 0, आपका के का आंसर आएगा। इसी तरह के वाला जितने भी आंसर देखिए आएगा, के जगह पर एक्स भी रख सकता है, वाई भी रख सकता है, तो इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब